हेलो तो गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू एंड अदर ब्लॉग। कैसे आप लोग? सब बढ़िया। तो कई दिनों बाद आज मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, यानी 2024 का सबसे पहले ब्लॉग है। पहले ब्लॉग में दिखाते हैं कुछ नया। छोटी 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 सोगी, यो देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, छोटी देखो, इधर देखो, देख रहा हूँ, देख रहा हूँ, देख छोटी, देख ये छोटी, ये हमारी छोटी भांजी है ना, मेरी भांजी। हो हो हो, तू छोटी छोटी है। हो बोल, छोटी छोटी छोटी। हो इसकी वीडियो बनाओ बस। देखा सिराज जी रहोगी, वीडियो बनाओ ना। हाँ, वीडियो बनाओ तेरे, वीडियो बनाओ बस तेरी। रोले तो रोले, रोते रहे। तो भाई आज हम दिखाऊंगा हमारी गाय का हो गया रैबिस, जो बहुत ही यानी खतरनाक बीमारी है, ठीक है, उसके मतलब मौत पक्की है। जो हमारी जो बच्चिया है उसका हो गया रैबिस, उसने अपना सींग सांग कति मतलब खुनम खान हो रही है, टक्कर मार रही है, रौल गिर रही है, कुछ खा पी नहीं रही। पिछले 5-10 दिन हो गया है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है उसकी। तो मैं उसकी वो दिखा देता हूँ, उसकी जो भी कंडीशन है। अगर आपकी आपके जानवर को किसी को भी हो रखी है रैबिस, तो सबसे पहले मैं उसको बता दूं, उसे अपने जो भी जानवरों का जो भी झुंड है उसे वहाँ से दूर रखे, एक अलग ही साइड उसकी बनाए, और उसके हाथ वाथ ना लगाए। उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है रैबिस का, तो उसकी दूरी बांध दे, जानवरों को ना मिलने दे, और बाकी बात वहाँ पे जाओ। पानी की तोड़ दी खाते ने। चलो चलते हैं। मनदीप, मनदीप बंदरा, मनदीप गोरी, हमने इसका जो इस बच्चा को रह रहा है, देखो अभी शांत है। देख जूम करके भी दिखा दो यार थोड़े से। देख इसने अपना सींग भी फाड़ लिया, देख मुंह भी। इस बच्चा को हो गया है रैबिस, बहुत ही ज़्यादा बेकार बीमारी है। रैबिस का कोई इलाज नहीं है। इसके लक्षण, अगर आपके पशु को भी रैबिस हो रहा है तो इसके लक्षण है मुंह से रार, देखिए ऐसे ये रार घेरती रहेगी और टाइम टाइम पर बोलेगी, बोलती रहेगी, बीच में रुक के फिर बोलेगी, रुक के फिर बोलेगी, ठीक है, टक्कर मारेगी, और भी कुछ खाना वाना नहीं खाएगी। देखो जैसे कि हमने ये डाल रखा है इसका चारा, ये किसी और पशु को ना खिलाना अपने, क्योंकि इसमें भी अब रैबिस के लक्षण है, इसकी राड़ पड़ चुकी है। इससे दूसरे भी पशु को भी रैबिस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। जो ये राड़ है अगर इंसानों के हाथ पे लग जाए तो साबुन से हाथ धोएं, अपने की सेफ्टी खुद रखें। ये इंसानों में भी जा सकता है ये रैबिस बीमारी, बहुत ज़्यादा आप लोग गूगल पर सर्च करके देख सकते हो, बहुत ज़्यादा बेकार बीमारी, बहुत ज़्यादा खतरनाक। इसलिए इस जी इसको हो रखा है ना रैबिस, तो हमने इसको दूर बांध रखा है, सभी इसे दूर एक साइड बना रखे है, इसमें इसको अलग ही बांध रखा है, ठीक है। ये पिछले 5-10 दिनों से कुछ खा भी नहीं रही है, आज इसको हो गया मेरे ख्याल से 7 दिन हो गया इसको कुछ भी नहीं खा रही। देख लो आपके सामने चारा रखा है, पानी पीती है, खिंडा देती है, देख लो पूरा गिल्ला कर रखा है इसने, मतलब इसकी मौत पक्की है रैबिस की। अगर कोई एंटीडोट है तो कोई मुझे प्लीज़ कमेंट करे। हमने तो बहुत ज़्यादा इसको टीके लगा लिए, देसी दवाई भी दे ली, पर रैबिस का कोई इलाज नहीं है अब तक, तो इसलिए इसकी मौत है अभी पक्की। ये बीमारी एकदम से हो गई है, ऐसे नहीं है कि ये बचपन से ऐसी है, अभी कुछ 5-10 दिनों बाद पहले ही हुई है इसको ये बीमारी। ये कुछ नहीं भी खा पी भी नहीं रही, इसलिए इसकी मौत पक्की हो जाएगी अब। तो दैट्स इट, यही एक मिनी ब्लॉग। आपको अगर बढ़िया लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए और बढ़िया से ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।
नगोड़ा नगोड़ा बोलिए शालवी का। शालवी का है, शालवी का है तू, शालवी का है, शालवी का है तू, ओए पापा का ना होगा तो 10 रुपए नहीं, शालवी का।